आज मैं आप लोग के बीच क्रिया एवं उसके भेद को सुधारण बताऊंगा। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए क्रिया कहलाती है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। वाक्य में किसी में कर्म होते हैं, किसी में कर्म नहीं होते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म होते हैं उसे कहा जाता है सकर्मा, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होते हैं उसे कहा जाता है अकर्मा। यानी वाक्य में क्रिया है, उसके साथ कर्म जुड़ा है, वह क्रिया कहलाती है सकर्मा। वाक्य में क्रिया है, उसके साथ कर्म नहीं जुड़ा है, वह क्रिया कहलाती है अकर्मा। परंतु प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, मुख क्रिया वाक्य तभी संभव है जब उसमें क्रिया हो। बिना क्रिया के वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, वाक्य में जिस शब्द के द्वारा मुख्य कार्य किए जाते हैं वह शब्द मुख क्रिया कहलाती है। अब जैसे देखिए, सीता गीत गाती है, सीता के द्वारा मुख कार्य किए जा रहे हैं गाने का, सीता के द्वारा मुख कार्य किए जा रहे हैं गाने का, इसलिए गाती शब्द मुख क्रिया कहलाती है। गाती शब्द मुख क्रिया कहलाती है, साथ ही साथ यह क्रिया सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इस क्रिया के साथ गीत कर्म सब जुड़े हैं। कर्म जुड़े होने के कारण यह क्रिया कहलाती है सकर्मक। अगर इसमें कर्म नहीं होते, सीता गाती है तब यह क्रिया होती है कर्मक, लेकिन इसके साथ कर्म जुड़े हैं इसलिए यह क्रिया कहलाई सकर्मक, और साथ ही साथ इस क्रिया को मुख क्रिया भी कहा जाता है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया किसे कहा जाता है? वाक्य में मुख क्रिया की सहायता के लिए जो क्रिया आती है वह क्रिया कहलाती है सहायक क्रिया। वाक्य में मुख क्रिया की सहायता के लिए जो क्रिया उसके बाद आती है वह क्रिया कहलाती है सहायक क्रिया। जैसे उदाहरण, पढ़ शब्द है मुख क्रिया, मुख क्रिया की सहायता के लिए रहा है शब्द आया है, इसलिए रहा है शब्द कहलाती है सहायक क्रिया, क्योंकि यह सहायक क्रिया मुख क्रिया की सहायता के लिए आ रही है, आई है, इसीलिए मुख क्रिया की सहायता करने के लिए जो क्रिया आती है वह क्रिया कहलाती है सहायक क्रिया।
तीसरा ग इसे कहा जाता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कही जाती है? मुख्य क्रिया तो हुआ जो वाक्य में मुख्य कार्य करते हैं, सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं, संयुक्त क्रिया जहां वाक्य में दो क्रिया एक साथ आती हो परंतु एक क्रिया दूसरी क्रिया में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए आती हो वह कहलाती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब मिला जुला, जहां वाक्य में दो क्रिया आती हो और एक क्रिया दूसरी क्रिया में चमत्कार उत्पन्न कर देती हो उसे कहा जाता है संयुक्त क्रिया। जैसे वह अभी हंस पड़ा, दो क्रिया जहां दो क्रिया एक साथ आती हो और एक क्रिया दूसरी क्रिया में चमत्कार उत्पन्न कर देती हो तो यह क्रिया कहलाती है संयुक्त क्रिया, क्योंकि इसमें क्रिया दो है, एक क्रिया में मुख्य क्रिया में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए दूसरी क्रिया आती हो, पहली क्रिया दूसरी क्रिया दोनों मिल करके कहलाती है संयुक्त क्रिया और इसका उद्देश्य मुख्य क्रिया में चमत्कार उत्पन्न करना होता है, इसीलिए दोनों क्रिया मिल करके कहलाती है संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहा जाता है? जब वाक्य में कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके दूसरे से करवाता हो वह क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता हो वह क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे उदाहरण, मुझे एक किताब खरीद दीजिए, दीजिए, लीजिए, कीजिए, पीजिए। कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, कर्ता किसी दूसरे से निवेदन कर रहा है कार्य को करने के लिए। जहां कर्ता स्वयं कोई कार्य ना करके किसी दूसरे से करवाने का आग्रह करता हो या निर्देश देता हो वह क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व काल का मतलब समय, पूर्व का मतलब पहले, पूर्व का मतलब पहले, काल का मतलब समय। जो क्रिया समय से पहले होती हो इसमें क्रिया दो आती है, एक क्रिया के पहले दूसरी क्रिया आती हो और एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया समाप्त होती हो तो उसे कहा जाता है
पूर्वकालिक क्रिया, जैसे शिक्षक पढ़ाकर लिखाते हैं, पंडित जी नहा धोकर पूजा करते हैं। इसमें दो क्रियाएं हैं। एक क्रिया की समाप्ति के बाद जब दूसरी क्रिया आती है तो जो क्रिया पहले समाप्त होती है उसे कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का मतलब पहले, काल का मतलब समय। इसके उदाहरण, शिक्षक पढ़ा कर लिखा रहे थे, दो क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया और ये सहायक क्रिया। लेकिन इसमें हम देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया, इसमें दो कार्य हो रहे हैं, पढ़ाना हो रहा है और लिखाना हो रहा है। जहां दो क्रिया एक साथ आती हो परंतु एक क्रिया की समाप्ति के पहले दूसरी क्रिया समाप्त हो जाती है, पहले पढ़ाने की क्रिया होती है उसके बाद लिखाने की, जो क्रिया मुख्य क्रिया के पहले समाप्त हो जाती हो उसे कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। दो क्रिया साथ साथ हो रही है, क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया समाप्त होती हो तो जो क्रिया पहले समाप्त हो जाती है उसे कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। तो ये थे आज क्रिया एवं उसके भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, प्रयोग के आधार पर मुख्य क्रिया सहायक क्रिया संयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया। आज मैं इसी के साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम। आप सबों को धन्यवाद।